लेकिन यहाँ के बिल्डिंग बायलाज इतने पेचीदा और इतने गलत हैं कि यहाँ ऑलमोस्ट हर तीसरी बिल्डिंग पे कोई ना कोई वायलेशन या बिल्डिंग मिसयूज या कोई और तरीके से उसके ऊपर कोई अड़चन डाली गई है। जो अब आजकल यहाँ से कमर्शियल एक्टिविटी जा रही है मोहाली में, जो जा रही है पंचकुला या नियर बाय, तो वो सारी यही हो जाएगी। और एक कमेटी बननी चाहिए जो ये लोगों की सुन के आज के टाइम के अनुसार उनमें मॉडिफिकेशन की जाए। और एक इशू बहुत ज़्यादा जो बहुत पुराना इशू है और बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए कि प्रॉपर्टी जो पुरानी है वो अभी कई लीज होल्ड पे बिकी हुई है, वो अभी किसी भी देश के किसी भी शहर में ये सिस्टम नहीं है कि प्रॉपर्टी लीज होल्ड है। इवन दिल्ली में भी बंद हो गया है। पार्किंग की बड़ी समस्या है मार्केटों में, आपने देखा होगा, आप भी जाते हैं मार्केटों में, तो बड़ी समस्या आती है। उसके लिए ज़रूरत है पार्किंग की एक्सपेंशन करने के लिए। कुछ मार्केटों के पिछले बैक साइड पे जगह पड़ी है, उनको आसपास कोई जगह पड़ी है, उनको ढूंढ के जगह को स्पेसिफाई करके वो पार्किंग बनाई जाए, ताकि जो फ्रंट पार्किंग है वो कस्टमर के लिए, और व्यापारी जब पीछे पार्किंग बन जाएगी तो जो ट्रेडर खुद आते हैं वो गाड़ियां पीछे लग जाएंगी और आगे जो कस्टमर के लिए जगह बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 वो हो चुके हैं, उसके बाद उसके परिणाम भी आ चुके हैं और नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन कई बार कुछ मुद्दे वहीं के वहीं रहते हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन मुद्दे जो हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। आज मेरे साथ है चंडीगढ़ व्यापार मंडल से उनके प्रेसिडेंट चरणजीत सिंह और दिवाकर जी जो उनके पैटर्न हैं, उनसे बात करते हैं कि चंडीगढ़ व्यापार मंडल में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लंबे अरसे से अटके हुए हैं। हालांकि कहा जाता है कि जो व्यापारी वर्ग होता है वो हमेशा राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन उनकी जो समस्याएं होती हैं कई बार सरकारें जो होती हैं उनको इग्नोर कर देती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनसे कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो पिछले एक लंबे अरसे से अटकी हुई हैं। चरणजीत जी, सब तो पहला तो स्वागत है आपका, चरणजीत जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दिवाकर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिवाकर जी आप मुझे बताएंगे कि चंडीगढ़ व्यापार मंडल जो है इसकी जो स्थापना है, क्योंकि चरणजीत जी रहे हैं फाउंडर मेंबर रहे हैं, वो कब हुई और उसका क्या रीजन रहा उसको बनाने का व्यापार मंडल को? ऐसे है, अर्ली 90s में व्यापारियों को काफ़ी परेशानियां जब हो रही थी तो ये देखा कि जगह जगह पे छोटे छोटे एसोसिएशन तो बनी हुई थी, लेकिन शहर का एक अकेला कोई ऐसा एसोसिएशन या इकट्ठ नहीं था जो कि प्रशासन से बात कर सके और अच्छी तरह से अपने इश्यूज को रख सके। तो चरणजीव जी और इंद्रलाल बत्रा जी और कुछ इनके 9 साथी और थे, ये 11 साथियों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना हम सारे ही मार्केटों को साथ लेकर एक नया व्यापार मंडल बनाए। तो इस तरह से व्यापार मंडल की स्थापना 1992 में शहर के जो व्यापारी हैं उनके मुद्दों को करने के लिए बनाई गई। और ये उन 9 में से 11 में से मेरा ख्याल महावीर जी भी हमारे मेंबर हैं, उस फाउंडर मेंबर्स में हैं। और तो कुछ उसमें अब नहीं रहे जो, क्योंकि इतने सालों बाद जो, जैसे इंद्रलाल बत्रा जी अब नहीं रहे, ऐसे कई और मेंबर्स हैं। लेकिन अब पिछले कई सालों से इसको आगे बढ़ाने का बीड़ा चरणजीव जी ले रहे हैं। चरणजीत जी आप मौजूदा प्रधान हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो कितने मेंबर्स हैं आपके जो व्यापार मंडल है इसमें कितने मेंबर्स हैं? हमारे यहाँ मार्केट की एसोसिएशंस और ट्रेड एसोसिएशन मेंबर बनती है, लगभग 80 मार्केट एसोसिएशन और 45 ट्रेड एसोसिएशन, जैसे केमिस्ट एसोसिएशन है, ऐसे मेंबर हैं। उनके कोई लगभग 375 रिप्रेजेंटेटिव व्यापार मंडल में इस समय मेंबर है, जो कि शहर की सब मार्केटों को और सब ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया बनाया आपने कि जो भी आप व्यापारी है आपके साथ जुड़ना चाहता है, व्यापार मंडल के साथ जुड़ना चाहता है, उसके लिए पर्टिकुलर कोई क्राइटेरिया है? हाँ जी, यही क्राइटेरिया है कि हमने सिर्फ मार्केट एसोसिएशंस के ऑफिस बेयरर्स और ट्रेड एसोसिएशन के जो इलेक्टेड ऑफिस बेयर है उनके, उस एसोसिएशन की संख्या के अनुसार हम आगे मेंबर लेते हैं। 2 मेंबर से लेकर 7 मेंबर तक, जितने पीछे मेंबर हों उनके एसोसिएशन के, उनको मेंबर बनाते हैं। डायरेक्टली कोई भी व्यापारी, एक सिंपल व्यापारी हमारा मेंबर नहीं बन सकता,
हमारी क्योंकि एसोसिएशन की एक फेडरेशन है, इसलिए एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके जो ऑफिस बेयर होते हैं वो मेंबर होते हैं। लगभग 125 एसोसिएशन के 375 के लगभग जो हमारे मेंबर हैं वो अभी मेंबर हैं, और हमारा 2 साल के बाद प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होता है। 2 साल के बाद एक बारी एक टीम प्रेसिडेंट चुना जाता है, फिर वो अपनी टीम बनाता है और 2 साल के बाद द्वारा वो रिव्यू होता है द्वारा। इस तरह बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। मतलब आप जो कह रहे हैं आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आम मेंबर्स नहीं होते, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपके मेंबर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है। और जब आप किसी एसोसिएशन के 3 मेंबर ले लेते हो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव, तो उसका मतलब होता है कि सारे मेंबर जो वहाँ के हैं वो हमारे मेंबर बन गए इनडायरेक्टली। ठीक है, जो उनकी सारी समस्याएं हैं वो रिप्रेजेंटेटिव आप तक लेके आते हैं और आप उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हम लगभग 50,000 शहर के व्यापारियों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हर तरह की मार्केट्स और हर तरह की ट्रेड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी कौन सी समस्याएं से कौन से मुद्दे हैं जो लंबे अरसे से अटके हुए हैं, व्यापार मंडल कोशिश कर रहा है लेकिन चंडीगढ़ के जो व्यापारी है उनकी वो समस्याएं हल नहीं हो पा रही है? बिल्कुल ठीक है जी, कुछ तो जो रूटीन के मुद्दे होते हैं जैसे कारपोरेशन के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो तो हम लोग खुद जाके उनको रिजॉल्व कर लेते हैं। काफी मुद्दे हमने रिजॉल्व किए हैं समय समय पर कुछ मुद्दे ऐसे हैं, आपकी बात ठीक है, जो कि काफी देर पहले के रुके हुए हैं। और सबसे पहला मुद्दा जो है वो है कि वैट को की असेसमेंट्स चल रही हैं पुरानी, उसको खत्म हुए, वैट को बंद हुए, 7 साल हो गए, अभी GST आ गया, तो वो उसके लिए एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम की हमने अप्लाई किया हुआ है बड़ी देर से, कि कोई ऐसी स्कीम आनी चाहिए जो पिछली पुरानी असेसमेंट उसको ला के उसमें व्यापारियों को कुछ इंसेंटिव दे के उसको ख़त्म किया जाए, ताकि वो जो पुराने मुद्दे हैं अभी जो पेपर वगैरह व्यापारी नहीं इकट्ठे कर पा रहे, सामान दूसरी स्टेट्स में गया हुआ है वैट की असेसमेंट के लिए, वो हमने प्रशासन को भी मिले हैं, प्रशासक को भी मिले हैं, तो उन्होंने हमसे वैदा भी किया हुआ है, पर वो इलेक्शन के पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग गया इसलिए नहीं हो सका। तो हमारी सबसे पहले यही कोशिश रहेगी कि जो पंजाब की पैटर्न पे एक वन टाइम OTS स्कीम उसको बोलते हैं, सेटलमेंट स्कीम जल्दी आए ताकि व्यापारियों को उसमें अपने केस जो पेंडिंग पड़े हैं उसमें रिलीफ मिल सके, जो कि पंजाब स्टेट 3 ऐसी स्कीमें निकाल चुका है, लगभग 27-28 स्टेट्स में ऐसी स्कीमें ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो चंडीगढ़ के व्यापारियों की भी को इसकी बड़ी इंतजार है और हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इसको जल्दी अब लेके आएगा। सेकंडली जो सेकंड मुद्दा हमारे यहाँ पे है कि चंडीगढ़ ही एक सारी कंट्री में हमारे देश में ऐसी सिटी है जहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो वेल स्पेसिफाइड है, और अगर आप मार्केट से बाहर घरों से आप काम नहीं कर सकते तो लिमिटेड कमर्शियल स्पेस है, लेकिन यहाँ के बिल्डिंग बायलॉज इतने पेचीदा और इतने गलत हैं कि यहाँ ऑलमोस्ट हर तीसरी बिल्डिंग पे कोई ना कोई वायलेशन या बिल्डिंग मिसयूज या कोई और तरीके से उसके ऊपर कोई अड़चन डाली गई है। तो हमारी इतनी देर से इतने सालों से प्रशासन से ये वो है अपील है कि आप इसको इतना सिंप्लीफाई करें कि जब ये सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स अलॉट की हैं एज ए कमर्शियल साइट, तो आप इसके सारे फ्लोर्स को किसी भी कमर्शियल जो ट्रेड जनरल परमिसेबल है उसके लिए इसको अलाउ किया जाए। और इन्होंने लेकिन इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई है कि 10 रुपए से 500 रुपए तक इन्होंने एक बार लगा दी थी, और अब आजकल हम लोग हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन है कि इसको ख़त्म किया जाए इस पेनल्टी को, और नई बिल्डिंगों पे चाहे लगाई जाए लेकिन पुरानी बिल्डिंगों से इसको या ख़त्म की जाए या बहुत रेशनल की जाए। इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत की है लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा है। दिवाकर जी, अभी आपने एक बात कही कि चंडीगढ़ के जो बायलॉज हैं वो कमर्शियल बायलॉज जो भी हैं वो पेचीदा और गलत हैं। पेचीदा तो मैं मान सकता हूँ क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, और दूसरी बात है ये ऐसा एक प्लान्ड सिटी है, इसमें बहुत सारी चीजें प्लान करके की गई, हम प्लानिंग से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन आपने एक वर्ड यूज किया गलत, तो मैं गलत का थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप उसको डिस्क्राइब करें भी गलत कैसे है। गलत ऐसे है कि जब ये कोई भी कमर्शियल साइट आपको यूज दी गई है, अलॉट की गई है एज ए कमर्शियल साइट, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब उसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। अब सेकंडली है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जैसे लें, आप अगर शॉप करना चाहते हो
तो पहले उसको आप SEO में कन्वर्ट कराएंगे, फिर SEO से आप उसको शॉप में कन्वर्ट कराएंगे। तो इसका मतलब कोई और कोई उसका मकसद ये नहीं है कि उससे पार्किंग में समस्या हो रही है या हेरिटेज में कोई समस्या हो रही है, सिंपली इन्होंने उसमें बहुत सारे लाखों रुपयों की कन्वर्शन लगाई हुई है। अब क्योंकि आधी से ज्यादा बिल्डिंगें रेंटल होती हैं, अब उसमें कौन पैसा दे सकता है कौन नहीं दे सकता और कौन इतने ज्यादा पैसे दे सकता है या नहीं दे सकता, उस वजह से वो सारे के सारे मामले इसी तरह ही। इसलिए ये मैं कहूंगा कि बिल्कुल गलत है, गलत है। इनको एक एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि भी शहर की जितनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं या प्लेसेस हैं उनमें जनरल ट्रेड इज अलाउड ऑन ऑल द फ्लोर्स। और ये अगर हो जाए इससे सब जो अब आजकल यहाँ से कमर्शियल एक्टिविटी जा रही है मोहाली में जो जा रही है पंचकुला या नियर बाय, तो वो सारी यही हो जाएगी और सारा रेवेन्यू भी आएगा। इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बने थे बिल्डिंग बायलॉज 1955 में बने थे, अब शहर बहुत बदल गया, अब 2024 आ गया, तो इसको टाइम टू टाइम नीड के अनुसार चेंज करने की जरूरत है, मॉडिफिकेशन की जरूरत है। इसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए जो सब की सब, जैसे समाज के जो अलग अलग जैसे व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, घरों वाले हैं, वहाँ पर सबकी बात सुनी जाए और आजकल के टाइम के अनुसार उसमें चेंजेस लाई जाएं ताकि लोगों को जो अनड्यू हरासमेंट हो रही है वो ना हो सके। और दूसरी बात यह है कि जो इंटरनल चेंजेस लोग करते हैं, किसी ने कैबिन बना लिए तब नोटिस आ जाता है, किसी ने कोई शॉप है उसमें कोई दो भाई हो गए उन्होंने शॉप में डिवाइड करके इंटरनल पार्टीशन कर ली तो नोटिस आ जाता है। तो ये चीज़ें, एक तो इंटरनल जो चेंजेस हैं उसमें प्रशासन को हस्तक्षेप नहीं, इंटरफ्रेंस नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाहर से तो हम भी मानते हैं कि चंडीगढ़ सुंदर शहर है, एक जैसा वहाँ जो कंट्रोल मिला हुआ है बाहर से ऐसे ही रहना चाहिए। जरूरत के अनुसार जो इनसाइड कोई चेंज होती है उसके लिए प्रशासन जो नोटिस दे रहा है वो इमीडिएट विड्रॉ होने चाहिए और एक कमेटी बननी चाहिए जो ये लोगों की सुन के आज के टाइम के अनुसार उनमें मॉडिफिकेशन की जाए। और एक इशू बहुत ज़्यादा जो बहुत पुराना इशू है और बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए कि प्रॉपर्टी जो पुरानी है वो अभी कई लीज होल्ड पे बिकी हुई है, वो अभी किसी भी देश के किसी भी शहर में ये सिस्टम नहीं है कि प्रॉपर्टी लीज होल्ड है। इवन दिल्ली में भी बंद हो गया है, नई प्रॉपर्टी तो उन्होंने शुरू कर दी क्योंकि बिकी नहीं, तो इन्होंने फ्री होल्ड बेचनी शुरू कर दी है। जो पुरानी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, जैसे रेजिडेंशियल में एक स्कीम आई हुई है कि कन्वर्शन स्कीम आए जो कुछ रीजनेबल से पैसे देके अपने जो भवनों को जो बेशक इंडस्ट्रियल हैं या कमर्शियल भवन है उनको बदलने की एक स्कीम आनी चाहिए। ऐसे और भी मुद्दे हैं, एक और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा मैं लाना चाहता था कि देखो आज के डेट में जो एक व्यापारी है, मध्यम व्यापारी है, उसका कंपटीशन है एक तो ऑनलाइन बिजनेस से, बिल्कुल, सेकेंडली है उसका जो नियर बाई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन जाते हैं, जैसे आप बेस्ट प्राइस ले लें या कोई ले लें, मेट्रो ले लें, अब उनसे कंपटीशन तो करना है, लेकिन आपको यहाँ पे जितनी बेचारे खासकर छोटे बे शॉप्स हैं जो बूथ्स हैं उनको ना तो डिस्प्ले के लिए जगह है ना उतनी वैरायटी रखने के लिए उनके पास जगह है। अब सारे हमारे पंचकुला में अभी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आप फर्स्ट फ्लोर आप सभी बूथों पे अलाउड कर दिया उन्होंने। दिल्ली में कॉमनवेल्थ के टाइम पे लोग गवर्नमेंट ने पैसे दिए कि आप स्टोरेज के लिए ऊपर जगह बना लो, तो जितनी वहाँ पे कनॉट प्लेस में जनपद पे इधर उधर जितने छोटे बूथ थे उन सबको ऊपर अलाउ कर दिया था। हम चाहते हैं कि यहाँ चंडीगढ़ में भी जितने ऐसी बूथ मार्केट्स हैं या बे शॉप्स हैं इनको कम से कम स्टोरेज के लिए तो ऊपर जगह दे दो। अब कैसे ये मैच करेंगे जो नया तरीका आ गया है, जो नए इतने इतने बड़े शॉपिंग मॉल आ गए हैं, इतनी ज्यादा वैरायटी आ गई है गुड्स की, अब किसी भी बड़ा टफ हो गया कंपटीशन भी, तो ये अलाउ कर देना चाहिए इनको और ये इमीडिएटली इनको करना चाहिए। ये हमारी ये भी मांग काफी सालों से इसी तरह से चल रही है। कहीं ना कहीं उसके पीछे ये भी लॉजिक है कि ये शहर बहुत पुराना बना हुआ है, 1995 से बनना शुरू हुआ है, जो बूथ्स बने हुए हैं वो उतने पुराने बने हुए हैं, अगर ऊपर उसके कंस्ट्रक्शन होती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है, तो ये भी लॉजिक दिया जाता है क्योंकि हम इतनी 6-7 फुट की एक ऊपर एक्सटेंशन चाह रहे हैं जिसमें कस्टमर ने जाना नहीं है, ठीक है, तो वो एक मतलब वो एक प्रैक्टिकल बात है। हम भी समझते हैं, हम नहीं कह रहे
कि कोई सीढ़ियां निकाल के लोगों ने ऊपर जाना है या कोई प्रॉपर सिंपली वो स्टोरेज के लिए, वो उसके लिए मेरा ख्याल में कोई भी ऐसे भूत या बेस ऑप्स नहीं है जिनमें कोई। अभी व्यापार मंडल ने एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई पीछे, हाँ जी ऐसे था उसके उसके लिए क्या मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई एकदम से आपको, इतने मुद्दे जो है उसके लिए व्यापार मंडल खुद से काम कर रहा था फिर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई। उस समय मुद्दे काफी आ गए थे इसलिए कुछ समय के लिए बनाई गई थी। अच्छा, पर अब हम व्यापार मंडल की जो एक्टिविटी है हम अपने हिसाब से ही अपनी कार्रवाई सब कर रहे हैं, अपनी मतलब जो वर्किंग हमारी अलग है। अब मैं बात आता हूं दूसरी, क्योंकि बिल्डिंग बाई लॉज के लिए तो हमारी ये मांग है कि बिल्डिंग में बनाई जाए कमेटी, उसमें सुना जाए और उसको मॉडिफिकेशन किया जाए। उसके बाद और भी मुद्दे हैं, जैसे पार्किंग की बड़ी समस्या है मार्केटों में, आपने देखा होगा आप भी जाते हैं मार्केटों में, तो बड़ी समस्या आती है। उसके लिए ज़रूरत है पार्किंग की एक्सपेंशन करने के लिए, कुछ मार्केटों के पिछले बैक साइड पे जगह पड़ी है, उनको आसपास कोई जगह पड़ी है उनको ढूंढ के जगह को स्पेसिफाई करके वो पार्किंग बनाई जाए, ताकि जो फ्रंट पार्किंग है वो कस्टमर के लिए, और व्यापारी जब पीछे पार्किंग बन जाएगी तो जो ट्रेडर खुद आते हैं वो गाड़ियाँ पीछे लग जाएंगी और आगे जो कस्टमर के लिए जगह बन जाएगी, तो इससे कस्टमर को थोड़ी रिलीफ मिलेगी, जगह मिलेगी। और कोई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने की ज़रूरत है, जैसे सतारा में बनी है, तो कई सेक्टर हैं जैसे 34 सेक्टर है, 18 सेक्टर है, और कई सेक्टर में कहीं 4-5 जगह स्पेसिफाई करके ये मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी चाहिए, जैसे हाई कोर्ट में बन रही है, पीजीआई में बन रही है, कोर्ट के पास भी एक बनने की प्लानिंग है। इस तरह सेक्टर की मार्केटों के आसपास भी जहाँ जगह मिल सके, जहाँ ज़्यादा रश है, मल्टी स्टोरी पार्किंग, और जो कम्युनिटी पार्किंग मैंने जैसे कहा बैक साइड पे या कोई साइड पे जगह स्पेसिफाई करके। और शहर में लगभग 1900 के लगभग हमारे पास पार्क हैं, जो जिसको नेबरहुड पार्क बोलते हैं, छोटे पार्क जो जो हम कॉर्पोरेशन मेंटेन भी नहीं कर पा रही, कुछ तो रेजिडेंट फिल्म एसोसिएशन ने ले हुए हैं, कुछ ऐसे ही पड़े हैं। उसमें से भी 300-400 पार्क जो रश वाले इलाकों के नज़दीक हैं या ऐसे छोटे मकानों के नज़दीक हैं पार्किंग के लिए यूज़, उस पार्किंग के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ग्रीनरी भी चाहिए नो डाउट, पर उसमें से 1900 में जब हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, जब हम उनको मेंटेन नहीं कर सकते, तो एक शहर की अब क्योंकि कारें बहुत होगी तो शहर की एक जरूरत है कि एडिशनल पार्किंग स्पेस बने, तो वो पार्किंग के लिए भी प्रशासन को कॉर्पोरेशन को आगे आके पार्किंग से उस समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। एक कुछ और ऐसे लॉ हैं जैसे आप एक नेशनल कोड है इसका फायर सेफ्टी का, अब चंडीगढ़ की ये जो पुरानी जैसे आपने अभी बोला था कि बूथ कैसे ले पाएंगे, वो सस्टेन कैसे करेंगे 6 फुट जगह, बिल्कुल। और अब देख लो कि ये जो फायर सेफ्टी के नए नॉर्म आए हैं उसमें तो 5,000 की टैंकियां चाहिए हर शोरूम को। अच्छा। और फिर उसमें खर्चा करके ये कह रहे हैं कि जी जैसे सारे इंडिया का जो लॉ है वही इन पे पुरानी बिल्डिंगों पे एप्लीकेबल होना चाहिए। हमारी व्यापार मंडल की बहुत ही एक मांग है जोरदार ढंग से कि हमारा यहाँ तो नया नॉर्म हमारी बिल्डिंगों को देखकर लाया जाए। और बूथों में भी ये कहते हैं कि जी आप फायर सेफ्टी के लगाओ, अब बूथों को बेचारों को आप सिंपली अगर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट छोटे मोटे एक्सटिंग्विशर्स दे दो वही बहुत है, लेकिन ये उसी एक ही लॉ से चल रहे हैं। हम कहते हैं चंडीगढ़ का हमेशा लॉ अलग बनना चाहिए, जैसे रेंट एक्ट है वो भी हमारा अलग होना चाहिए चंडीगढ़ को देखकर, क्योंकि यहाँ पे अगर एक तो टेनेंट बहुत है, दूसरा कि हम घरों से काम कर नहीं सकते, तो हमारे पास तो एक ही जगह उसको ना छीना जाए, और सेकंडली कोई भी नए ऐसे लॉ आए उसको नई बिल्डिंग्स पे लगाए। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर फायर सेफ्टी की बात करते हैं जो बूथ हैं हमारे वो बूथ इतने छोटे और इतने कंजेस्टेड है, वो ऑलरेडी सामान इतना भरा होता है, अगर हम उसकी सेफ्टी का नहीं ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली नहीं उसमें रखें, हम तो ये कह रहे हैं। पर अगर ये एक नॉर्म बना दिया कि जी इतने इतने फुट वाली और इतने पानी वाली टैंकी जरूरी होगी और इतना खर्चा जरूरी हो गया, तो वो इसको हमारी बिल्डिंगें नहीं ले सकते। ये तो बहुत जरूरी अभी अभी देखो कई बिल्डिंगों पे अब ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं कि जी हमारी छत पे इतना नहीं हो सकता, उसको ये थोड़ा कम कर रहे हैं मेरा घर, लेकिन वो फिर भी विजिबल नहीं है और सारे शहर को नोटिस आए हुए और वो इतने तंग है व्यापारी, मतलब सबसे ज्यादा यही चंडीगढ़ शहर ऐसा है जो हमेशा ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम स्टेट ऑफिस में लगाता है
या ऐसे नोटिसों के जवाब में लगाता है, बजाय कि वो तरक्की करे, कोई शहर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे या बिजनेस को बढ़ाए, उसकी बजाय वो इसी में रह जाता है कि आज उसने एडवर्टीजमेंट का बोर्ड अगर बाहर लगाना है ऊपर की मंजिल पे, उसके लिए उसको फेस करता है, उसमें भी ये डिले कर रहे हैं, उसको इनको चाहिए जल्दी कर दें कि कहाँ कहाँ पे बोर्ड लग सकते हैं, उसके भी लाखों करोड़ों के नोटिस हैं, बिल्डिंग बायला के नोटिस हैं, फिर ऊपर की बिल्डिंग वायलेशन मिस यूज, दो दो इंच के अगर किसी ने अंदर अपना बाथरूम बड़ा किया हुआ है उसकी सील हो जाती है शॉप्स। तो उसके लिए आपने, जैसे आपने पीछे बताया कि गवर्नर से आपकी बात हुई, तो जो प्रशासक है वो क्या कहते हैं इसके लिए, क्या प्रशासक ने इसके लिए कभी आपको कोई ठोस जवाब नहीं दिया? नहीं जी, वो बात तो करते हैं कि हम ये करेंगे, पर अभी कुछ रिजल्ट में कुछ नहीं है, इसलिए हमने कहा है कि जो खास तौर पे बिल्डिंग बायलॉज की प्रॉब्लम है उनके लिए एक कमेटी बननी चाहिए जी, सबकी सुनने के बाद और रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। चरणजीत जी, आप नॉमिनेटेड काउंसलर भी रहे हैं, इस समय जो केंद्र में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की बन गई है, फिर से तीसरा जो टेन्योर है वो नरेंद्र मोदी को फिर से मिला है, और चंडीगढ़ में जो इस समय सांसद हैं वो कांग्रेस से हैं, मनीष तिवारी। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि केंद्र का और आप कहें चंडीगढ़ का तो तालमेल बनेगा नहीं कहीं ना कहीं, देखिए जब ओपोजिशन में जो यहाँ पे सांसद है वो ओपोजिशन में है, केंद्र में उसकी सरकार नहीं है, तो समस्याएं कई बार आपकी जो है वो वहीं की वहीं रह जाती है, केंद्र तक पहुंच नहीं पाती प्रॉपरली या हल नहीं हो पाती। तो आपको क्या लगता है कि कैसे ये समस्याएं जो है आपकी प्रॉब्लम्स है ये हल होंगी? ऐसे जी, जो चंडीगढ़ व्यापार मंडल है एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अब जो इलेक्शन भी गुजरा है हमने उसमें ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया, और हमारे मेमोरेंडम हमने बनाए थे जो हमारे इश्यू जो मैं पहले भी आपसे भी डिस्कस किए हैं या और भी एलैबोरेटेड एक मेमोरेंडम बनाया गया था जो हमने भारतीय जनता पार्टी को भी दिया था और हमने कांग्रेस के जो तिवारी हैं उनको भी दिया था, दोनों पार्टियों को दिया था। और अब भी हम दोनों पार्टियों के पास जाएंगे, हम एज ए सांसद, अभी जो सांसद जब बन जाता है तो वो किसी पार्टी का भी हो सबका सांसद होता है, बट ऑब्वियसली जब मेंबर पार्लियामेंट हो गया तो चंडीगढ़ का हो गया तो सबका सांसद है, तो हम उनके पास द्वारा जाएंगे, उनका स्वागत भी करेंगे क्योंकि वो एमपी चुने गए हैं, और उनको द्वारा अपने मेमोरेंडम के बारे में भी बात करेंगे। उन्होंने जब हमने पहले भी मेमोरेंडम दिया था उन्होंने हमें कहा था कि आपकी जो डिमांड्स हैं या जो आपके इश्यूज हैं सब जेन्युइन है, और उन्होंने पढ़े भी थे, उन्होंने कहा था कि जैसे ही मुझे मौका यदि मिला तो मैं आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश जरूर करूंगा, तो हम उनके पास पहले उन्हीं के पास जाएंगे, उसके बाद क्योंकि जो सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है तो उन लोगों से भी हमारा अच्छा रैपर्ट है, तो वो हम उन लोगों के पास भी जाएंगे यदि उनकी जरूरत पड़ी तो, उनको लेके भी हम एमएचए में जाएंगे, यदि सांसद की जरूरत पड़ी तो उनको भी उनके थ्रू भी जाएंगे। हमारा एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमें ऐसा नहीं है कि हम फलाने के पास नहीं जा सकते या उसके पास नहीं जा सकते, हमने व्यापारियों की जहाँ से समस्या हल हो सकेंगी हम प्रशासन को भी, यहाँ के जो प्रशासक हैं उनको भी अप्रोच करेंगे, हम अपने सांसद को भी अप्रोच करेंगे, हम जो सरकार बनी है दिल्ली में उसको भी अप्रोच करेंगे, और जरूरत के अनुसार हम समस्याएं अपनी जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहां भी हमें जाना पड़ा हम वहां पर इसके लिए जाएंगे। और एक हमारा नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, जो इंडिया लेवल पे सुनील उनका जो चेयरमैन है उनका नाम है सुनील सिंघवी जी, तो चंडीगढ़ में आए थे हमारे 4-5 महीने पहले, तो उनको भी हम कंटेक्ट करेंगे, तो उनके थ्रू भी जो उनके भी गुड ऑफिस यूज करके हम भारत सरकार को मिलने की कोशिश करके अपने समस्याएं व्यापारियों की जो बाकी हैं जरूर सॉल्व कराएंगे लोगों की। राष्ट्र को बनाने में, जैसे मैंने पहले कहा कि व्यापारी वर्ग जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है राष्ट्र के लिए, बहुत, क्योंकि टैक्सेस जो होते हैं सबसे ज्यादा व्यापारी लोग देते हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स है, चाहे वो इनकम टैक्स है, वैट तो खत्म हो गया चलो, जीएसटी है और कई तरह के टैक्सेस होते हैं, तो इसके बावजूद सरकारें जो है वो ये कहते हैं कि व्यापारी सबसे बड़ा चोर है, अक्सर ये बात सुनी जाती है कि टैक्स की चोरी कर ली, ये चोरी करता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैं एक और जोड़ दूं कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी सिर्फ ये व्यापारी वर्ग, बिल्कुल, नेशन को, मैंने तो एक ही लाइन में एक ही शब्द में बोल दिया कि नेशन को बिल्ड करने में, नेशन को बनाने में बहुत बड़ा रोल है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी आ गई, उसमें आपके बाकी भी सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है ना। अब ऐसा जो आपने बात कही अब ऐसा नहीं है, अब व्यापार डिजिटाइजेशन हो गई है, सिस्टम बदल गया है, हर जितना आप देखिए जीएसटी 20% बढ़ रहा है चंडीगढ़ में, किसी महीने 16% बढ़ रहा है, तो जीएसटी भी बढ़ रहा है और इनकम टैक्स भी बढ़ रहा है, व्यापारी तो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दूँ ताकि राष्ट्र का निर्माण हो सके,
तो व्यापारी अपनी जो भूमिका है राष्ट्र बनाने की निभा रहा है, और हमें एज ए व्यापारी रिप्रेजेंटेटिव जब हम जाते हैं ऑफिसर्स के पास, जब जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के पास, हमें पूरी इज्जत मिलती है और हम लोगों को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। जो भी एडवाइजरी काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटर की बनी हुई है उसमें भी हम मेंबर हैं। उसके बाद एक यहाँ पर एडवाइजरी ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के नाम से ये GST के लिए और बिल्डिंग बायलाज के लिए कमेटी बनी हुई, उसके भी हम मेंबर हैं। लेबर लॉज की कमेटियाँ बनी हुई, उसके भी मेंबर हैं। जो भी प्रशासन को काम होता है वो हमें से सलाह भी लेते हैं, और टाइम टू टाइम जो कमेटियाँ बनी हुई उसमें हमें बुलाया जाता है। इवन इनकम टैक्स वाले हैं या और भी जो डिपार्टमेंट हैं, सब बुलाते हैं और पूरे हमें रिगार्ड भी मिलता है, और हमारी जो जो राय होती है उसका रिगार्ड भी मिलता है। अब एक आखिरी सवाल, आपने बताया कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लगभग 75 से 80 जो व्यापार मंडल व्यापारी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है वो आपके साथ जुड़ी हैं, लेकिन एक जो सड़क पे बैठ के चाहे वो छोटा व्यापार कर रहा है, वो रेडी फड़ी वाला है वो भी एक व्यापारी है, जो रेडी मार्केट है वो भी व्यापारी है, जो बूथ मार्केट है वो भी व्यापारी है, वो जो शोरूम में बैठे हैं वो भी व्यापारी हैं। तो आपने क्राइटेरिया एक यही क्यों रखा कि यही इतने लोग इसमें हो सकते हैं, वो सब लोगों को एकजुट करने के लिए कभी कोशिश की आप लोगों ने? एक्चुअली सर, हमारा जो संविधान बना हुआ है उसमें जो ऑथराइज मार्केट्स हैं, सेक्टर मार्केट्स हैं या ट्रेड मार्केट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वही हमारे मेंबर बन सकते हैं। तो हम ऐसे ही चल रहा है, हम जो रेडी फड़ी वाले हैं लोग, मतलब रेडी फड़ी वाले भी हैं रोड पे, उनको भी मतलब लाइसेंस इशू किए गए हैं, उनको भी उनसे भी मेरे ख्याल सरकार कुछ ना कुछ चार्ज करती है, कॉर्पोरेशन चार्ज करती है, वो भी ऑथराइज एक तरह से वो बैठे हैं। तो वहाँ एक्चुअली हमारी कुछ प्रॉब्लम लग गए जी, उनकी प्रॉब्लम लग गए, उन लोगों ने अपनी एसोसिएशन भी बनाई है, पर यदि हमसे कभी किसी इशू पे सपोर्ट मांगेंगे तो हम उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार रहेंगे। मतलब आपने कभी उनको एकजुट करने की कोशिश की? हाँ, मेंबर तो नहीं बनाया हमने, पर उनको हम सपोर्ट करते हैं। आगे भी जब भी हम कोई इश्यू अच्छा लेके आएंगे हमारे पास तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। चरणजीत जी, दिवाकर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रेजिडेंट चरणजीत सिंह जी और दिवाकर जी जो उनके पैटर्न है। तो चंडीगढ़ के मुद्दे मेरे शहर की इस प्रोग्राम में फिर से हम मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ, तब तक धन्यवाद।